पैसे वाले बड़े बड़े बख्शा था दिए, लाइट आ गई, नल आ गया, रोड आ गई, सब आ गई, पूरे डिपार्टमेंट ये शाहीन नगर इलाके में आज से चार दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे आबादियों में पानी घरों में घुस गया, खुसूसन उस्मान नगर रायल कॉलोनी उसके अतराफ एकनाफ के कॉलोनियों में। और यहाँ के लोगों को मजलिस की तरफ से चेयरमैन साहब खाने का इंतज़ाम करे, तकरीबन कमर बराबर पानी था, पानी में उतर के घरों में जाके खाने और सामान तकसीम करे, फिर शादी खानों में उनके क़याम का ताम का इंतज़ाम करे। मेरा तीन चार दिन से चेयरमैन साहब उनके साथ पूरे कॉरपोरेटर्स इमदादी कामों में मसरूफ़ थे। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर कल कलेक्टर रंगा रेड्डी से मैं बात किया जाके उनको तवज्जो दिलाई। वैसे RDO और MRO के ज़रिए वो भी बाखबर थे यहाँ के कामों से, उनको दरख्वास्त किया कि आप आके दौरा करें। चुनाचे वो जॉइंट कलेक्टर साहब को यहाँ पे भेजे, वो तफसील से उस्मान नगर दीगर मकामात का दौरा करें। तो हमारी तजवीज़ ये है कि जिस कॉलोनियों में पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, आउटलेट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर आउटलेट के लिए एस्टीमेट बनाएं, गवर्नमेंट से मंजूरी हासिल करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगे। सिर्फ एक इलाका है उस्मान नगर का जहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है, पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। 2006 में पानी आया, 5 में आया, 10 में आया, उसके बाद अब आया पानी। पहले तो बारिश कम हो रही थी लेकिन अब की बारिश पूरे मुल्क में हर जगह अच्छी हुई, अब पानी आया और बहुत सारे घर पानी में पूरे डूब गए, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, सामान डूब गए उनके, वो घर खाली करके फंक्शन हॉलों में रिश्तेदारों के पास चले गए। तो हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ जहाँ तालाबों में आउटलेट का इंतज़ाम है, रास्ता मिल सकता है, उसके एस्टीमेट बना के वो काम करा दिए गवर्नमेंट के तरफ से तो बहुत बेहतर होगा। हमारा काम एस्टीमेट बनाना है और सदर साहब इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मंजूरी लेके काम कराएंगे। हमारी कोशिश है
कि जितने गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा, आइंदा बारिश में उनको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गरीब लोग हैं, लोगों के धोखे में आके सस्ते में ज़मीन लोग बेच देते और मिले के वो लोग बना लेते, लेकिन बाद में आके उनके ये मसाइल सामने आते जिसका उनको अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल हम मसाइल को हल करेंगे, यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएँगे, सहूलत पहुँचाएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर रंगा रेड्डी और हमारे जॉइंट कलेक्टर साहब इस सिलसिले में गरीबों की हमदर्दी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके हल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदेही करेंगे। इस मौके पर यहाँ के चेयरमैन, उनके कारपोरेटर पूरे के पूरे साथ रह कर रहनुमाई कर रहे हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो चार पाँच दिन से इस इलाके में काम कर रहे हैं गरीबों की हमदर्दी के लिए। इंशाल्लाह आप अपने कामों को जारी रखिए, जमात और जमात के सदर आपके साथ हैं, आपके मसाइल को हल कराएंगे। शुक्रिया। हमारा आरडीओ गारू के साथ, चेयरपर्सन साहब के साथ, हमारे एमआरओ जी के साथ, इरिगेशन के डीए के साथ पूरा इसका यहाँ पे ब्यौरा करा गया। तो उसमें क्या पाया, ये जो घर बना है बेसिकली, जो कॉलोनी बताया है वो ऑलरेडी एफटीएल में बना है, फुल टैंक लेवल में बना है। तो बेसिकली अब जब पानी आ रहा है ऊपर से, जलपल्ली ऊपर के एरिया में है तो पानी आ रहा है, तो उसमें पानी भर गया है क्योंकि वो घर जो है पहली बार वो बने ही लेक के अंदर है, तो उसका मामूल का पानी भरना एक है, एक आम बात है। तो बट अब इसमें हम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे डीए भी हैं उनके, उसमें उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताएं किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे एमएलए सर ने भी कहा है कि किस तरीके से एस्टीमेट बनाकर उसको हम बनाएंगे, पूरा उसको रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट होगी, जिस तरीके से भी इस मसले को पूर्ति का मतलब पूरी तरीके से किस तरीके से कंप्लीट करा जा सकता है, उसको साधा जा सकता है, उसको हम कोशिश करेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल ये वो इंजीनियरिंग की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर हम ये चाहेंगे कि सारे के सारे लोग हमारे साथ कॉपरेट करें और कॉपरेट करके उन घरों को खाली कर दें जो ऑलरेडी सबमर्ज हैं, क्योंकि उससे उनकी जान को कुछ खतरा हो सकता है कुछ। और हम बोल रहे हैं कि अगर वो आज खाली नहीं करते हैं, कुछ टाइम देंगे, अभी हम एक टीम लगा के यहाँ पर कमिश्नर के साथ, हमारे MRO इमरजेंसी फोर्स के साथ वो खाली करके वहाँ के हम करंट भी काटने का कुछ जो होगा वो स्टेप्स लेंगे, ताकि जो बेसिकली देर शुड बी नो लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन ऑल दीज एरियाज। सो दीज आर द ओनली टू थिंग्स फ्रॉम माई साइड। पहली बात कि हम रिपोर्ट बनाएंगे और दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हम एक्शंस लेंगे। थैंक यू सर। डेफिनेटली लेंगे, वो पूरा कॉल फॉर करा जाएगा, जो रिपोर्ट्स होंगे हमारे जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू हम पूरा वो डेटा लेकर उसको सबमिट करेंगे, जो भी होगा फिर डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन ले लिया जाएगा।